में हुई एक आपराधिक घटना के बाद जिले के तमाम पेट्रोल पंप आज बंद किए गए हैं। कल प्रताप सागर के एक पेट्रोल पंप कर्मी की हत्या कर दी गई थी गोली मार के। उसके बाद आज विरोध स्वरूप सभी पेट्रोल पंप संचालकों ने अपनी एकता का परिचय दिया है और एकजुट होकर सभी ने एक साथ पेट्रोल पंपों को बंद कर रखा है। इस पेट्रोल पंप बंदी के कारण एक तरफ जहां उनकी चट्टानी एकता देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ आमजनों को परेशानी भी हो रही है। जो लोग यहां पेट्रोल भराने के लिए आ रहे हैं उनका कहना है कि उन्हें आज बहुत परेशानी हो रही है, बहुत समस्या हो रही है और यदि पेट्रोल मिलता तो उन्हें दिक्कत नहीं होती। आप देख सकते हैं किस प्रकार एक व्यक्ति अपनी गाड़ी को ऐसे ही लेके चले जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर? हम बड़ाका गाँव से आ रहे हैं। क्या हुआ था? मेडिकल में एक मरीजी हमारे भर्ती है, ब्लड चढ़वाने के लिए जाए हैं। तो अभी कहाँ आए थे पेट्रोल लेने? अभी पेट्रोल लेने तो पेट्रोल टंकी पाए है ना। अच्छा, पेट्रोल नहीं मिला? पेट्रोल नहीं मिला, डगरा कर जाते हैं। अच्छा, जैसे ये लोग बंद किया है इसलिए कि एक व्यक्ति की हत्या हो गई है कल, तो कितना उचित है कि हत्या हो जाए तो पेट्रोल पंप बंद कर दें? जो आवश्यक आवश्यकता है इसको बंद करना चाहिए, नहीं करना? एक व्यक्ति की नहीं मुआना चाहते हैं, सब व्यक्ति की मुआना चाहते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति के चलते सब व्यक्ति की जान चली जा सकती है, ये गलत हुआ है? नहीं, बंद करके बंद नहीं होना चाहिए था ना, बंद। तो आपने कहा कि कोई भर्ती है हॉस्पिटल में, तो क्या मतलब आप देखने जा रहे हैं या फिर कुछ लेकर? वो हमारा बहन है, हम लेकर आए हैं। अच्छा, उसको फिर ब्लड चढ़वा कर लेकर जाना है, उसका दो को बच्चा है। तो ब्लड लेने गए थे? ब्लड ले लिए हैं वहाँ पर जा करके। अच्छा, अब लेकर ऊपर पहुँचा रहे हैं चढ़ाने के लिए। अच्छा, क्या नाम आपका? ना बताए हैं, गुड्डू पासवान। गुड्डू पासवान जी का कहना है कि वो आए हुए थे यहाँ पे और यहाँ पे पेट्रोल पंप बंद मिला। पेट्रोल पंप बंद होने के कारण मतलब यहाँ से लौट के जा रहे हैं, उन्होंने खून लिया है, ब्लड लिया है, ब्लड चढ़ाना है उनको, लेकिन जो स्थिति है वो वाकई विकराल है। उनका कहना है यदि एक व्यक्ति की हत्या होने के कारण इस तरह से पेट्रोल पंप बंद रखा जाता है तो न जाने कितनी और जाने जा सकती हैं। तो कहीं से भी हत्या के विरोध में विरोध करना जायज है, लेकिन कहीं से भी आवश्यक आवश्यकता की वस्तुओं पर इस तरह से प्रतिबंध लगाना, इस तरह से बंद कर देना कहीं भी उचित नहीं है। हमने और भी लोगों से बात की, हमने जिले में कई लोगों से बात की, सभी ने यही कहा कि पेट्रोल पंप बंद होने के कारण परेशानी हो रही है। अच्छा, आज पेट्रोल पंप बंद है, एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, तो आपको क्या लगता है कि बंद होना चाहिए था? इतनी आवश्यक आवश्यकता की चीज़ है ये। अब वो तो वही लोग जाने, तो मतलब क्या ये है? क्या अच्छा किया इन्होंने बंद हो करके? आज आप पेट्रोल के लिए अब आदमी अपना गुस्सा जाहिर करता है। अच्छा, बक्सर में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, अपराध पे लगाम लगाने में प्रशासन सक्षम नहीं है, ऐसा लगता है आपको? अब नहीं है तभी ना हो रहा है। आपको पेट्रोल मिला कि नहीं? आप पेट्रोल लेने? नहीं, कहाँ, अब पेट्रोल यहाँ भी नहीं है, उधर भी खत्म हो गया है। अब हम लोगों को दिक्कत होगा ना। हाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम सीमा। सीमा जी आई थी पेट्रोल लेने, उन्होंने भी कहा कि विरोध करना जायज़ है, ठीक है, लेकिन पेट्रोल नहीं मिला, परेशानी निश्चित रूप से है। अब देखते हैं कि कब तक अपराधी पकड़ में आते हैं, जो कि इनकी मांग है। और आज जो बंद रहा, बंद से जो लोगों को परेशानी हुई, अब एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि इस परेशानी का जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन इस परेशानी का जिम्मेदार है? क्या इन्हें पेट्रोल पंप संचालकों को बंद नहीं करना चाहिए था? इन सभी सवालों को हम जनता के लिए छोड़ देते हैं, जनता इनका जवाब कमेंट में जरूर दे। चंद्रकांत निराला, बक्सर टॉप न्यूज़ के लिए।